हे गाइस मॉर्निंग एज ऑल ऑफ यू नो किशोर भाई ना का जो मोटन सत्ता है उधर बीएमसी ने रेड डाल के वो बंद कर दिया। एक्चुअली वो उतना ओवरहाइप्ड हो गया था बिकॉज ऑफ द फूड व्लॉगर्स जो कि जाके इतना सा चीज़ को इतना बड़ा करके बोलते हैं। लिटरली मैं गया था तो लास्ट टाइम मेरे को टेस्ट ठीक ठाक लगा था, बट मैं एक्चुअल में प्लेस का हाइजीनिक के बारे में अच्छा रेटिंग दिया था। जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जाके चेक कर सकते हो कि मैं तो पूरा बोल दिया था कि खाने का प्लेस का हाइजीन उतना ठीक ठाक नहीं है। एजुअल 200 रुपया लेता है वो प्लेट, दैट इज नॉर्थ नॉट अर्थ। मेरे को तो नहीं लगा कि अर्थ फॉर मनी है बोल के, क्योंकि मटन किलो कितना होगा, 700 रुपीज़ पकड़ के भी चलो, 700 रुपीज़ पर किलो पकड़ के भी चलो, फिर भी 200 रुपया इज़ टू मच। एंड उसका राइस क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं था जैसे कि मैं बोला था लास्ट वीडियो पे। खाना का टेस्ट अच्छा था। एंड वन मोर थिंग जो सुनने के लिए मिला कि वो एक्सपायरी कलर, हाँ रेड कलर का ज़्यादा यूज करता था, ने एक्सपायरी सॉस भी डालता था। सो उतना फेमस हो गए हो भाई, ओवर हाइप हो गए हो, तुम्हें इतना लोग तारीफ कर रहे हैं, तो देन डोंट प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ कस्टमर्स। वो कस्टमर्स के फीलिंग के साथ खेल लिया है। एंड तो आज जो हुआ सब आपको आप लोगों के सामने ही है। हम लोग तो मतलब टेस्ट तो अच्छा ही था, हम लोग तो लाइक किया था जैसे कि मैं बोला था सबको कि हाँ टेस्ट इज ग्रेट, टेस्ट अच्छा था। बट टेस्ट को भी 100 में से 80 रेटिंग में दिया था। वन दूसरा फूड ब्लॉगर्स की तरह मैं जाके उधर कुछ आंडू पांडू कुछ नहीं बोला था, कि कुछ भी झूठ नहीं बोला था। एंड ओवर हाइप्ड हो गया था एक्चुअली किशोर भाई ना का मटन जो था वो ओवर हाइप्ड हो गया था। मैं वीडियो जब अपलोड किया जो 80% भी दे दिया था रेटिंग, बहुत लोगों ने मेरे को बोला भाई 80% सच में था, कि कुछ जगह थोड़ा बहुत बढ़ा के पढ़ना पड़ता है एज वेल। लेकिन ये जो चीज़ हुआ ना गलती है, स्पेशली मैं बोलूँगा एक तो बड़ा मिस्टेक है यूट्यूबर्स लोगों का, क्योंकि जहाँ तुम खा रहे हो ठीक रेटिंग दो, ओवर हाइप करके ज़्यादा रेटिंग मत दो। लाइक ये अच्छा हुआ है थोड़ा सा तुम्हें बहुत अच्छा हुआ है, ये सब वाला चीज़ मत करो, एक्चुअल रेटिंग दो। लाइक जैसे मैं लास्ट टाइम बिरयानी भोज गया था अच्छा नहीं लगा, तो मेरा दोस्त शुभम जो था वो बोल गया इसी के पास कोई भी मत आओ, लिटरली कोई भी नहीं जाना चाहिए उधर। मतलब इतना घटिया टेस्ट वाला बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाया था। एंड अपना जो किशोर भाई वाला भी आ गया, खाना का टेस्ट अच्छा था लेकिन राइस का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था। फिर जो सलाड आ गया वो उतना सलाड भी थोड़ा उतना हाइजीनिक नहीं था। एंड देट प्लेस इज टोटली अनहाइजीनिक, प्लेस तो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं था। मैं लास्ट वो वाला ब्लॉग में भी बोला हूँ कि प्लेस हाइजीन नहीं है, आज भी बोल रहा हूँ वो वाला प्लेस हाइजीनिक नहीं था। सो बीएमसी जो रेट डाला है वी शुड रेस्पेक्ट दैट। एंड आई नो हमारा जितना भी गुड़िया लोग हैं सब रेस्पेक्ट करते हैं बीएमसी का डिसीजन को, ये होना भी चाहिए। ये अगर नहीं होगा तभी ऐसे लोगों के अंदर डर नहीं रहेगा। एंड बहुत लोगों ने ये भी बोला है कि वो कंजूस था लेकिन टैक्स भी ठीक से नहीं दे रहा था, तो ये भी गलत चीज़ है क्योंकि टैक्स तो जाना चाहिए भाई। अगर तुम एक दिन पे 50,000 रुपया नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, देन एक महीना का कितना, 15 लाख हो गया, 15 लाख हो जाता है। इतना कमा रहे हो तो भाई थोड़ा टैक्स भी देना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट लॉ। पता नहीं मेरा ये चीज़ ये डिसीजन दूसरे लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं, लेकिन ये मेरा डिसीजन है पर्सनली कि हाँ टैक्स देना चाहिए एंड ऑल, बट वो दिया नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड बीएमसी उसका जो फूड का लाइसेंस है वो भी कैंसिल कर दिया। ऑफ कोर्स ये होना भी चाहिए क्योंकि इफ़ समवन इज प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ पब्लिक देन ऑफ कोर्स ये होना चाहिए। सो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मेरे हिसाब से किशोर भाई ना एक तो रेस्टोरेंट खोलेगा अभी, क्या बोलता है इसमें? हाँ क्या क्या बोल रहा है बोल। वो भी शिफ्ट कर लेगा, कहाँ कहाँ शिफ्ट करेगा ये? वो भी शिफ्ट कर लेगा अपने, हाँ वो भी शिफ्ट कर लेगा अपना दुकान, एक रेस्टोरेंट बनाएगा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है एंड उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ब्लेसिंग्स बना रहा है भगवान का तो आगे पड़ेगा, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है और इतने में ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक लेवल पे तेरे को कस्टमर लेके यहाँ से लेके इधर बैठा है, लेकिन वो चीज़ के साथ तुम खेल दिए तो आई डोंट थिंक सो वो पुराना वाला हाइप और रहेगा। लेट्स सी क्या होता है। एनीवे ये वाला वीडियो तो ब्लॉग नहीं था, मैं एक तो वीडियो बना, लेकिन जो कि मतलब यूट्यूबर्स लोग जाके उधर ओवर हाइप बना देते हैं, एक को 100 बना के बोलते हैं वो चीज़ मत करो भाई, जो एक्चुअल रिव्यू है तभी वही वही दो, तभी तो कस्टमर जो भी व्यूअर्स हैं उनका भरोसा तुम लोग के ऊपर बना हुआ रहेगा। सो लेट्स सी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो थोड़ा। चलो आज शाम वाला वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।